बाबा मर गए, हमारे बाबा मर गए, अगर हमारा इंसाफ नहीं मिले हम प्रशासन के आगे हम अपन जान दे देवे, अगर हमारे बाबा के इंसाफ नहीं मिले हम प्रशासन के आगे हम अपन जान दे देवे, अगर हमारा इंसाफ नहीं दल के प्रशासन हमारा प्रशासन आना चाहिए, हमारे बाप को घुस के एक एक को मारा, हमारा भाई को, हमारा दादाजी को चक्कू मार दिया, चौकी तर में घुस के हमारा दादाजी को मार मार के उसको फांसी की सजा हो जाना चाहिए, अगर नहीं होगा हम प्रशासन से कहते हैं उसको सामने में अपना नहीं जान दे दिए तो फिर मार देंगे। दोस्तों जहां पर अभी हम मौजूद हैं यहां पे आंसू है, चीख है, चित्कार है, दर्द है, करा है और कभी नहीं खत्म होने वाला मातम, क्योंकि दोस्तों ये समस्तीपुर जिला का रोसरा थाना क्षेत्र का गांव है और यहां पर एक बुजुर्ग की, एक महादलित की पीट पीट कर वो भी इनके घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई और लाश का अभी पोस्टमार्टम करके मंगाया गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। और दोस्तों जिनकी हत्या हुई है ये वार्ड 12 के वार्ड सदस्य थे और बुरी तरीके से लाठी डंडा चाकू से गोद गोद कर और पूरे शरीर को जख्मी करके पीट पीट करके इनको मार दिया गया इन्हीं के घर में घुस कर। सोचिए दोस्तों अपराधियों में कानून का डर रोसरा थाना क्षेत्र में बिल्कुल खत्म हो चुका है कि कोई किसी के घर में घुस करके इस तरह से बेरहमी से हत्या कर देता। सोचिए एक जनप्रतिनिधि थे, वार्ड सदस्य थे, जब इनके साथ ऐसी घटना हो सकती है तो निरीह जनता, आम जनता के साथ क्या हो। और हत्या हो गई है, लाश पड़ी हुई है और गरीब चित्कार मचा रहे हैं, रो रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, कलेजा पीट रहे हैं, शायद इनकी आवाज का कोई प्रशासन पे असर हो जाए, रोसरा थाना पे असर हो जाए, अपराधियों की गिरफ्तारी हो जाए, अपराधियों को सजा हो जाए, इन लोगों को न्याय मिल जाए, शायद इनकी चीख को कोई सुन ले। बाबा मर गए, हमारे बाबा मर गए, अगर हमारा इंसाफ नहीं मिले हम प्रशासन के आगे हम अपन जान दे देवे, अगर हमारे बाबा के इंसाफ नहीं मिले हम प्रशासन के आगे हम अपन जान दे देवे, अगर हमारा इंसाफ नहीं दल के प्रशासन हमारा प्रशासन आना चाहिए, हमारे बाप को घुस के एक एक को मारा, हमारा भाई को, हमारा दादाजी को चक्कू मार दिया, चौकी तर में घुस के हमारा दादाजी को मार मार के उसको फांसी की सजा हो जाना चाहिए, अगर नहीं होगा हम प्रशासन से कहते हैं उसको सामने में अपना नहीं जान दे दिए तो फिर मार देंगे। पिताजी बहुत बढ़िया स्वभाव के थे, मिलनसार थे, सम्मानित व्यक्ति थे, इसीलिए इतने गरीब होने के बाद भी लोगों ने इनको वार्ड सदस्य चुना था कि लोगों को न्याय दिलाएंगे, लेकिन न्याय ये किसी को क्या दिलाएंगे, खुद अन्याय के शिकार हो गए, गुंडों के अन्याय के शिकार हो गए, दबंगों के अन्याय के शिकार हो गए और खराब कानून व्यवस्था के अन्याय के शिकार हो गए। की नाम रहे इनकर, की नाम रहे? उपिंदर राम। उपिंदर नाम जी नाम उपिंदर। कितने लोग घर में घुस के मार लग रहे? कितने? आठ आदमी। भले सर राम, सरदार राम, मोहन राम, सतरोहन राम, लाल बाबू राम, रोहित राम, विकास राम सर, लेडी सब चक्कू दे रहा था, बांस दे रहा था मारने के लिए हमरा बाबा का। आपके घर में घुस गया? हमरा घर में घुस के हमरा मारा सर, हमरा मारा, आँख फोड़ दिया, हमें मर जाएंगे, हमरा इंसाफ। घर में घुस करके, भीड़ बना करके और घर में बंद करके लाठी डंडा से
और बुरी तरीके से हत्या कर दिया गया। इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। अगर प्रशासन के अंदर में थोड़ी सी जमीर बची होगी, थोड़ी सी इंसानियत बची होगी, थोड़ी सी कानून व्यवस्था बची होगी, तो उपेंद्र राम के हत्यारे को पुलिस पकड़ेगी और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी, ताकि गरीबों में कानून को लेकर के जो अविश्वास बना है, कानून को लेकर के जो खराब छवि बना है और कानून पर जो इंसाफ देने का भरोसा नहीं है, वो भरोसा फिर से जगे और उपेंद्र राम को न्याय मिले।